भक्तिमय भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल भक्ति भजन सागर। नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। प्रिय भक्तों, आज हम आपको गौरी पुत्र गणेश जी की विसर्जन की पावन गाथा सुनाने जा रहे हैं। बता दें कि शंकर सुमन गौरी नंद कहे जाने वाले श्री गणेश देवों में प्रथम पूजे जाते हैं। देश भर में करोड़ों की संख्या में गणेश भक्त श्री गणेश को भादो मास की चतुर्थी को गणपति को अपने अपने घरों में बड़े ही उत्साह के साथ बैठाते हैं, लेकिन 10 दिन की पूजा करने के बाद श्री गणेश जी को क्यों विसर्जन करते हैं? तो आइए इस गाथा के माध्यम से हम आपको बतलाते हैं। श्री गणेश विसर्जन की है गाथा बड़ी महान, आज तुम्हें मैं बतलाता हूँ, सुनो लगा कर ध्यान। श्री गणेश जी वेद व्यास के सम्मुख गए ज्ञान, जयकारा गणपति का बोलो, कथा सुनो धर ध्यान। जय हो श्री गजानन की, जय हो गजमुख आनन की। श्री गणेश चतुर्थी को ये घर में आते हैं, बड़ी धूम से इनका सब स्वागत करवाते हैं। 10 दिनों तक श्री गणेश की करते हैं सेवा, ओ 10 दिनों तक श्री गणेश की करते हैं सेवा, मंगल करता दुख हरता देते हैं ये मेवा। जय हो श्री गजानन की, जय हो गजमुख आनन की। दसों दिनों तक श्री गणेश का होता है पूजन, वस्त्र आदि पहना कर प्रभु का करते हैं वंदन। श्री गणेश विसर्जन की एक पौराणिक गाथा, श्री गणेश विसर्जन की एक पौराणिक गाथा, सुनते सुनाते उससे पहले नवाते माथा। जय हो श्री गजानन की, जय हो गजमुख आनन की। अनुसार कथा हम तुम्हें सुनाते हैं, अनंत चतुर्दशी गणेश विसर्जन को करवाते हैं। श्री गजानन जल तत्व के अधिपति कहलाते हैं, ओ श्री गजानन जल तत्व के अधिपति कहलाते हैं। आगे वेद व्यास गणेश की गाथा बतलाते गजानन की, जय हो गजमुख आनन की। जय हो श्री गजानन की, जय हो।
भारत के युद्ध बाद की गाथा है भक्तों। आए गजानन वेद व्यास के हैं सम्मुख भक्तों। बोले गजानन महाभारत की कथा सुनाओ तुम, ओ बोले गजानन महाभारत की कथा सुनाओ तुम। आपके मुख से अमृत गाथा सुनना चाहते हम। जय हो श्री गजानन की, जय हो गजमुख आनन की। जय हो श्री गजानन की, जय हो गजमुख आनन की। व्यास जी बोले आप तो सब जानते हो, सुन लो गाथा बैठो जो तुम नहीं मानते हो। बोले गजानन कथा सुनाओ हमको लिखनी है, को बोले गजानन कथा सुनाओ हमको लिखनी है। लिखी कथा को सारे को फिर तो पढ़नी है। जय हो श्री गजानन की, जय हो गजमुख आनन की। जय हो श्री गजानन की, जय हो गजमुख आनन की। कथा सुनाने लगे व्यास वो कलम चलाते हैं, भाई भाई लड़े युद्ध वो लिखते जाते हैं। कौरव पांडव का युद्ध ये हुआ बड़ा घमसान, कौरव पांडव का युद्ध ये हुआ बड़ा घमसान। श्री कृष्ण की माया सारे ना समझे अज्ञान। जय हो श्री गजानन की, जय हो गजमुख आनन की। जय हो श्री गजानन की, जय हो गजमुख आनन की। आंख बंद कर व्यास ने सारी कथा सुनाई है, बिना रुके ही गणपति ने भी कलम चलाई है। लिखते लिखते अब 10 दिन पूरे बीत गए, ओ लिखते लिखते अब 10 दिन पूरे बीत गए। पड़ी है मेहनत बहुत ही ज्यादा गणपति हाँफ गए। गजानन की, जय हो गजमुख आनन की। जय हो श्री गजानन की, जय हो गजमुख आनन की। तन का भक्तों ताप बहुत हुआ था, शीतल तन करने को फिर तो एक उपाय किया था। पास के एक सरोवर में जा गणपति नहलाए, हो पास के एक सरोवर में जा गणपति नहलाए। तेज ताप था गणपति को फिर शीतल कर पाए। जय हो श्री गजानन की, जय हो गजमुख आनन की। जय हो श्री गजानन की, जय हो गजमुख आनन की।
से अब तक वही प्रथा ये चली आ रही है। श्री गणेश के मंगल गान को दुनिया गा रही है। 10 दिनों तक करते सेवा मोदक भोग लगाते, ओ 10 दिनों तक करते सेवा मोदक भोग लगाते। अनंत चतुर्थी के दिन गणपति जी को नहलाते। जय हो श्री गजानन की, जय हो गजमुख आनन की, जय हो श्री गजानन की, जय हो गजमुख आनन की, जय हो श्री गजानन की, जय हो गजमुख आनन की। धाम से करते विसर्जन कीर्तन गाते हैं, अगले वर्ष फिर आन गजानन अर्ज लगाते हैं। नाचत धूम मचाते मंगल गान गाते हैं, ओ नाचत धूम मचाते मंगल गान गाते हैं। श्री गणेश की हम सब भक्तों कृपा पाते हैं। जय हो श्री गजानन की, जय हो गजमुख आनन की, जय हो श्री गजानन की, जय हो गजमुख आनन की। समृद्धि का ये पर्व है वेद बखान करें, आरती 40 को पढ़कर हम गुणगान करें। मुनेन्द्र प्रेम जी सुमीर शारदा कलम चलाते हैं, ओ मुनेन्द्र प्रेम जी सुमीर शारदा कलम चलाते हैं। श्री गजानन रिद्धि सिद्धि बुद्धि बरसाते हैं। जय हो श्री गजानन की, जय हो गजमुख आनन की, जय हो श्री गजानन की, जय हो गजमुख आनन की, जय हो श्री गजानन की, जय हो गजमुख आनन की, जय हो